Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक डार्क मिनिमल थीम चाहिए, ये थीम आप ट्राई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका पूरा फोन का लुक और UI चेंज होने वाला है। आपको गूगल का फोल्डर का आइकन सभी चेंज हो जाएगा। आइकन पैक सच में काफी प्रीमियम है और एक भी आइकन आपको इस जो आइकन पैक में मिसिंग नहीं देखने को मिलता है। होम स्क्रीन में भी आपको सेम आइकन देखने को मिल जाता है। टूल्स का फोल्डर में भी आपको सेम आइकन देखने को मिलता है। एक भी आइकन आपको अभी तक मिसिंग नहीं देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छा बात है। आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको बजट भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। वॉलपेपर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा लुक आपको देखने को मिल जाएगा इस थीम में। ये थीम आपका डार्क मोड ही सपोर्ट करता है। लाइट मोड को चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपका सेटिंग्स में। और कंट्रोल सेंटर में चेंजेस होना चाहिए था बट चेंजेस होता नहीं है, जो कि मेरे को थोड़ा सा खराब लगा क्योंकि थीम सच में काफी अच्छा है। इसमें आपको सेटिंग्स पे काफी न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिलता है और इसको आपको एनेबल करने के लिए आपको डार्क मोड एनेबल करना होगा। आपको ऐसा कुछ बैकग्राउंड सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड में भी, सेटिंग्स का भी, और आपको पूरा फोन में ऐसे ही आपको सेम जो है बैकग्राउंड में ये वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। आपका अबाउट फोन, आपका डिटेल इन्फो और स्पेसिफिकेशन में भी वही देखने को मिलता है। डिस्प्ले में भी आपको सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड सच में काफी अच्छा, काफी डिफरेंट है, कुछ नया आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी आपको देखने को मिलता है आपका जो है बच जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। फिर आपका एडिशन सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। मेरे को पर्सनली ये जो थीम है काफी अच्छा लगा। इसका सेटिंग्स का UI काफी अच्छा, आइकन्स काफी अच्छा है और कंट्रोल सेंटर में चेंजेस होना चाहिए था, जो कि चेंज नहीं होता। इसमें आपको सेटिंग्स में एक भी टॉगल्स मिसिंग नहीं देखने को मिलता है, जो कि और एक प्लस पॉइंट इस थीम का है। अगर आप जाइएगा बाकी जैसे इसका डायलर मैसेजेस आप या वॉल्यूम स्लाइडर में, तो वॉल्यूम स्लाइडर डायलर मैसेजेस आप किसी में भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, बट तब भी काफ़ी अच्छा आपको लुक ओवरऑल आपको जो है प्रोवाइड करने वाला है थीम। तो ट्राई कीजिए, थीम सच में अच्छा है। और लॉक स्क्रीन में आपको काफ़ी सिंपल सा सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, सेम विजेट भी देखने को मिलता है। बस खाली इसमें आपको जो है डायलर मैसेजेस और जो है स्नैपचैट का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्नैपचैट लॉक स्क्रीन से कौन ही एक्सेस करता है, थोड़ा सा मतलब हार्ड है मेरे को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली स्नैपचैट नहीं यूज़ करता हूँ। बट हाँ, बैटरी बार देखने को मिल जाएगा, डेट एंड टाइम देखने को मिल जाएगा, डे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा। और इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, तो अच्छा आपका जो है लॉक स्क्रीन है। थीम अच्छा है। अगर आपको डाउनलोड मारना है, इसके लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर में। चाहिए जल्दी से थीम स्टोर में सर्च कीजिए इंट्रोवर्ट बॉय। अगर आपको मिल गया ये थीम तो ये सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए इंट्रोवर्ट बॉय को। बताइए कैसा लगा आपको थीम ये इंट्रोवर्ट बॉय। आई होप आपको ये थीम पसंद आया होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो मतलब समझ रहे हैं आप ही पे इंस्पायर्ड ये थीम है, काफ़ी अच्छा डार्क थीम है। ट्राई करके देखिए इंट्रोवर्ट बॉय। आई होप आपको थीम वीडियो पसंद आया होगा। थीम पसंद आया, डाउनलोड मारिए, वीडियो पसंद आया लाइक मारिए, सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो चाहिए लाइक 120 रखते हैं, कंप्लीट कीजिए लाइक एम। वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना नीचे कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको डेली मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।